परफेक्ट ढाबा स्टाइल हम ये खीमा पाव बना रहे हैं। ये खीमा बनाते समय ना कुछ टिप्स है जिससे आपको इसकी कंसिस्टेंसी ना परफेक्ट ढाबा स्टाइल मिलेगी ग्रेवी की, और उसी के साथ उसका कलर टेक्सचर एकदम ज़बरदस्त आ जाएगा। है एवरीवन, मैं हूँ मधुरा, वेलकम टू मधुरा द रेसिपी। आज हम बना रहे हैं परफेक्ट ढाबा स्टाइल खीमा पाव। जी हाँ, परफेक्ट ढाबा स्टाइल। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने 3 चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है। उसमें डालेंगे एक छोटा पीस दालचीनी का, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो। और अब इसमें हम डालेंगे एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज की आप प्यूरी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये कर लेंगे मिक्स, और ये हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज है ना अच्छे से गल न जाए तेल के साथ। तो यहाँ पर प्याज आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं, एकदम नाइस एंड सॉफ्ट, और हल्के से कैरमलाइज भी हो गया है, लाइट गोल्डन। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, ये कर लेंगे मिक्स, और बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 टमाटर मैंने लिए हैं, कर लेना है मिक्स। और टमाटर प्याज के साथ जब तक अच्छे से गल ना जाए तब तक ये हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर है ना टमाटर प्याज के साथ अच्छे से गल चुके हैं। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। उसमें है गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर 1 चम्मच, ये कर लेंगे मिक्स, और 2 मिनट तक अच्छे से ना इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मसाला बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। अब ये ना हम साइड में निकाल लेंगे। अब ऐसे ही हम इसमें कुछ डालते हैं ना तो टमाटर एक जगह, प्याज एक जगह, वैसे हो जाता है, कितना भी चाहे हम भून लें। तो 1 चम्मच और तेल मैंने डाला है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच चने का आटा। इससे क्या होता है, बाइंडिंग बहुत अच्छा आ जाता है। जब हम टमाटर और प्याज की ग्रेवी नहीं बारीक कट कर कर यूज़ करते तो ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग अच्छा आ जाता है और दिखने में वो परफेक्ट होटल स्टाइल ढाबा स्टाइल दिख जाता है। चलिए भून लेते हैं बेसन 1-2 मिनट तक। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज़ के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ये बेसन अच्छे से भून चुका है। अब हम ये करेंगे मिक्स इस मसाले के साथ। और ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए ना यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी हिंदी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब इस भुने हुए मसाले में हम डालेंगे ये खीमा, 250 ग्राम खीमा है जो अच्छे से मैंने रिंस कर लिया है, वॉश कर लिया है। अब ये कर लेंगे अच्छे से मिक्स इस ग्रेवी के साथ, मसाला के साथ। खीमा अब अच्छे से मिक्स हो गया है, बेस जी मसाला है, ग्रेवी है उसके साथ। तो ये 1/2 किलो खीमा है, 250 ग्राम नहीं, 250 ग्राम नहीं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें डालना है गर्मा गर्म, जी हाँ, क्योंकि ये खीमा उसका मसाला पूरा गर्म है। ठंडा पानी डालेंगे तो उसका कलर या फिर उसका टेक्सचर ऑयल पूरा सेटल हो जाएगा। अब ये करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें डालेंगे नमक फॉर टेस्ट, वापस कर लेंगे मिक्स। अब ये मटन खीमा है तो ये कुक कर होने में काफ़ी सारा समय निकल जाता है, तो इसलिए मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। अब इसे ढककर मीडियम हीट पर हम 3 सीटी लगा लेंगे। तो मीडियम हीट पर मैंने 1-3 सीटी लगा ली है। चलिए अब करते हैं चेक। वाओ, देखिए हमारा ये खीमा बनकर तैयार है। कलर कितना बढ़िया आया है, कंसिस्टेंसी, और मैंने ना ये अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, एकदम अच्छे से गल चुका है खीमा, ज़बरदस्त। अब आप इसे पाव के साथ सर्व कर सकते हैं, पाव या फिर चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बेस्ट है ना पाव के साथ आता है। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
मधुर रस पी।